श्रेया पाटिल के क्या न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जमीयत सद्भावना मंच के तत्वाधान में ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन। सभी धर्मों के अनुयायियों ने दिया ईद मिलन में पैगाम ए मोहब्बत। जमीयत अलमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून ने मार्गदर्शन में जमीयत सद्भावना मंच के तत्वाधान में ईद मिलन समारोह का आयोजन। सभी धर्मों के लोगों ने कार्यक्रम में भाग लेकर आपसी एकता भाईचारे का दिया संदेश। भोपाल जमीयत सद्भावना मंच द्वारा आज जमीयत अलाम भोपाल के जिला भोपाल कार्यालय बुरहानपुर में ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जमीयत अलमा जिला भोपाल अध्यक्ष हाफिज इस्माइल बेग एवं जमीयत सद्भावना मंच के सदस्य टीआर गहलोत एवं जमीयत की अन्य टीम द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें आपसी एकता भाईचारे का संदेश देते हुए सभी धर्मों के विशेष अतिथियों आम नागरिकों ने भाग लिया और आपस में ईद उल फितर की खुशियां बांटी और एक दूसरे को महापर्व ईद उल फितर की बधाई दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आमजन में मोहब्बत के पैगाम को आम किया गया। मैडम, ये जो सद्भावना मंच की तरफ से प्रोग्राम रखा गया, इसके बारे में आपको चर्चा। जैसे हम लोग मिलजुल कर एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं, आज आवश्यकता है कि सारे देश का जो माहौल है वो कायम रहे और सभी लोग एक दूसरे से मिलकर रहें, हर धर्म के लोग एक दूसरे का त्यौहार मिलजुल कर मनाएं, ताकि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उन्हें करारा जवाब दिया जा सके। जो आजकल देश में और प्रदेश में जो हिंसा की घटनाएँ आ रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से जब जब चुनाव नज़दीक आता है ये फिरकापरस्त ताकतें सर उठाती हैं, लेकिन हमेशा से हिंदुस्तान ने इनको जवाब दिया है और आगे भी इनको जवाब मिलता रहेगा।